तो आज अपन एक नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए शुरू करते हैं। देखो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अगर हम ग्राफ कुछ इस तरह का बनाएं तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं मैक्सिमा और ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है। डी वाई अपॉन डी एक्स इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं या फिर इसी को स्लोप कहते हैं। ठीक है, और मिनिमा पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है। तो फर्क क्या होता है, जो फर्क होता है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैक्सिमा और यहाँ पर लिखता हूँ मिनिमा। ठीक है, देखो मैक्सिमा पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो होता है, मतलब निगेटिव होता है। अब ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, सॉरी डबल डिफरेंशिएशन। मान लो आपको कोई टर्म दी वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, तो आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स। अब आप इसका एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आ जाएगा सिक्स। मतलब कुछ नहीं, किसी भी एक्सप्रेशन को दो बार डिफरेंशिएशन करना कहलाता है डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब मिनिमा पर क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसमें होता है ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये पॉइंट मैक्सिमा होता है, ये पॉइंट मिनिमा होता है। मैक्सिमा पर भी डिफरेंशिएशन जीरो होता है, मिनिमा पर भी डिफरेंशिएशन जीरो होता है। फर्क क्या होता है, मैक्सिमा पर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है, मिनिमा पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, ध्यान में रखना। अब देखो हम से कोई क्वेश्चन पूछे, कहे वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। ठीक है, तो आपसे पूछा भैया जी मैक्सिमा एंड मिनिमा बताओ कहाँ पर है। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, ध्यान से देखना। पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अब मैंने कहा था चाहे मैक्सिमा हो मिनिमा हो डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू जीरो, ध्यान से। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखो क्या ये इस तरह से आ जाएगी, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ी सी आप और आगे बढ़ा लो तो यहाँ से थ्री एक्स कॉमन हो जाएगा। ठीक है, थ्री एक्स को आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा एक्स माइनस टू, ध्यान से। अब देखो यहाँ पर x की दो वैल्यू आएंगी, एक 3x इज इक्वल टू जीरो, इसको आगे बढ़ा कर बन जाएगा x इज इक्वल टू जीरो, पहली वैल्यू ये आ जाएगी, और एक x माइनस टू है ना, तो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो x इज इक्वल टू पॉजिटिव टू। अब देखो एक चीज ध्यान में रखो, x की दो वैल्यू आ गई, जीरो और पॉजिटिव टू। अब यहां पर या तो यहां पर मिनिमा हो सकता है या मैक्सिमा हो सकता है, या तो यहां पर मिनिमा हो सकता है या मैक्सिमम हो सकता है, मतलब हो सकता है x इज इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, हो सकता है x इज इक्वल टू पॉजिटिव टू पर मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, वो हमें देखना पड़ेगा कैसे, डबल डिफरेंशिएशन करके। देखो इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट करा तो ये आ गई, अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा सिक्स एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, अब x इज इक्वल टू जीरो पर देखो, x की वैल्यू जीरो कर रखो यहाँ पर तो ये जीरो हो जाएगी और निगेटिव सिक्स आ जाएगी, मतलब निगेटिव आ रहा है। और ध्यान दो मैंने पीछे लिखवाया था, अगर डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव आए तो वहाँ पर मैक्सिमा होता है, मतलब x इज इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमा मिलेगा।
अब x इज इक्वल टू प्लस टू पुट कर कर देखो डबल डिफरेंशिएशन में, तो देखो ये हो जाएगा 6 इंटू टू, एक्स की वैल्यू आपने 2 रख दी, माइनस 6, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 6। अब देखो ध्यान दो, पीछे मैंने लिखवाया था जहां पर प्लस आता है ना डबल डिफरेंशिएशन, वहां पर जो मतलब मिनिमा आता है, पीछे देखो मैंने लिखवाया है। अब देखो इसको पता है, यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर हम y मैक्सिमा की वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम है ना, तो हम y मैक्सिमम की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 0 यहां पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आ जाएगा प्लस 6। और y मिनिमम देखते हैं, x इज इक्वल टू प्लस 2 पे है ना मिनिमा, ठीक है, तो यहां पर प्लस के मतलब x इज इक्वल टू प्लस 2 रखो, तो यहां पर 2 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करोगे तो 8 माइनस 4 12 प्लस 6 ये हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा प्लस 2, तो ये आंसर आ गया प्लस 2। अब देखो पता है इसको मैक्सिमा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर y की वैल्यू मैक्सिमम आती है। पता है इसको मिनिमा क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर y की वैल्यू मिनिमम आती है। देखो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है एज कम्पेयर टू यहाँ पर, ठीक है, तो अब यहाँ से एक जुगाड़ निकलता है, मतलब क्वेश्चन हो गया, जो कन्वेंशनल मेथड था वो हो गया। अब यहाँ से जुगाड़ पता है क्या निकलता है, जुगाड़ ऐसे निकलता है कि अब हमें बस ये निकाल लो x इज इक्वल टू प्लस 2, x इज इक्वल टू 0, इसको यहाँ पर पुट करो, पहले x इज इक्वल टू 0 को पुट करो, क्या वैल्यू आएगी प्लस 6, फिर x इज इक्वल टू प्लस 2 को पुट करो, क्या वैल्यू आएगी प्लस 2, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वहां पर मिलेगा मैक्सिमा, जो मिनिमम वैल्यू आएगी वहां पर मिलेगा मिनिमा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से देखो, बहुत प्यार से समझाया है मैंने, बस ये वीडियो होती है समाप्त। थैंक यू।